अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ साथ के लिए लंच, और वो भी लंच उसकी पसंद का मैंने तो बना लिया। अब मैं बच्चों को बैठा अपने लिए बना रही हूँ। मैंने अप्पे बनाए फ्रेंड, और साथ में टेस्ट करें इतने अच्छे बने ना कि मैंने दूसरी बार बनाए, पहली बार मुंबई में बनाए थे जब से साथ इसका फैन हो गया, और आज मैंने अपने घर पर बनाए नई पैन में। नई पैन का स्वागत भी हो गया, मतलब वो उद्घाटन हो गया, स्वागत बोल रहे उद्घाटन हो गया। तो आज साथ के लिए अप्पे बना दिए, साथ बोला मम्मा और डाल दो, तो मैं चलो और बना लेते हैं। ये रहा उसका बैटर फ्रेंड, इडली की तरह लग रहा है, वो चटनी की तरह लग रहा है। रेसिपी वगैरह मैंने नहीं डाली है, सुबह के टाइम में फ्रेंड का टाइम होता नहीं है मेरे पास, तो मैंने बस डाइट बना ली है। वही सूजी, सूजी दही और उसके अंदर प्याज हरा धनिया, सब्जियां डलती है बहुत सारी फ्रेंड, पर साथ तो सब्जी खाता नहीं इतनी, तो मैंने सब्जी नहीं डाली है, खाली प्याज हरा धनिया डाला है, ऊपर से राई और राई का जीरे का और कड़ी पत्ते का बुखार लगा दिया है फ्रेंड, उससे उसका टेस्ट बढ़ गया है। अब ये देखो मैं डालती हूँ उसके अंदर, आप देखना ये तो क्या था, मोबाइल को भी बार बार सेट करना पड़ता है फ्रेंड, ये ऐसे एंगल वाला एंगल, ये एंगल साथ कर रहा है अपना नाश्ता। बड़ा उठा नहीं, बड़ा सेफ नहीं होता, मैं पकड़ी आराम से आराम से आराम ऐसे पकड़ो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इसमें डाल दो गोल वाले में, बस जल्दी डाल दो तो जल जाएगा, ऐसे डाल दो। अब नाश्ता फिनिश कर लो, नहीं नहीं ये नहीं, मैं बताऊंगी आपको, वो आता नहीं प्लेट से आती है, आपने उसकी प्लेट देखी थी मॉल में याद है, नहीं नहीं बेकार होता है वो, अलग बहुत अच्छा होता है। साथ अपना ऑनलाइन साथ मैं खाऊं, साथ अपना ऑनलाइन वो देख रहा है लंच बॉक्स। ये फ्रेंड बन गए अपने, बने नहीं है मतलब अभी डाल रही हूँ मैं, बता दो आप खा ली एक हार तेल नहीं बनाया मैंने, तू खा जी भर के, अरे मान जा साथ मस्ती कर रहा है। हेलो मैं खा, सलाम करते सलाम, चलो इसको ढक देते हैं, बनने देते हैं इसको स्लो आंच पे। अब ये स्लो आंच पे बन रहा है, और चलो मेरा आज का लंच पूरा हो गया, साथ नाश्ता कर ली तूने, हाँ साथ की तो मस्ती चालू रहती है। चल सॉस वॉस, हाँ ना इसके साथ ना नारियल की चटनी बनती है, पर मेरे पास नारियल नहीं था यहाँ पे, आसपास बेचने भी नहीं आए ना, चुंगी भी मिलता है नारियल, तो मैं इसको बोल रही हूँ तो आज बिना नारियल की चटनी की खा ली, लेकिन अगर आप बनाओ ना तो आप नारियल की चटनी बनाना उसके साथ में खाना, और वो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। चलो साथ इसके साथ तू क्या खाएगा, सॉस शेजवान, शेजवान से तो बहुत अच्छा लगेगा, शेजवान से खा ली वो चटपटा, वैसे ये भी तीखे बनाए थोड़ी मैंने। चल ठीक है, अब 11 बजे आई मेरे नाश्ता करने की बारी फ्रेंड, साथ चला गया था स्कूल, उसके बाद में नाश्ता करती हूँ, तीन अप्पे बचे हैं फ्रेंड सिर्फ तीन, ये देखो खैर कोई नहीं, सात असल में मैं सात के डब्बे में अच्छे से बांध दिए मैं कि वो अच्छे से खा ले उसका पेट भर जाएगा, और फिर क्या हुआ थोड़े से अप्पे बना के मम्मी के लिए भी लेके गई घर पे, मेरी अम्मी को टेस्ट करा, अम्मी को बहुत अच्छे लगे, और अम्मी ने भी पहली बार खाया, अम्मी कह रही ये बनाए किस चीज़ के, आलू के क्या आटे के, मैं आटा नहीं है मैं सूजी के बनाए, उनको बहुत टेस्टी लगे, उनको अपनी आँखों के सामने खड़े होकर खिला के आई हूँ। तो फिर वहाँ से आने के बाद ये तीन अप्पे मैं खा रही हूँ, ये सात तीन टोस्ट छोड़ के चला गया, जल्दी जल्दी में मस्का लगूँ इस पर, मक्खन लगूँगा मतलब, और ये रही मेरी मलाई वाली चाय, मुझे ना मलाई वाली चाय मिल जाना फ्रेंड बस मेरा मेरी सुबह हो जाती है अच्छे से। तो अभी मैं करती हूँ नाश्ता, नाश्ता मैं घर धोने ही जा रही थी, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम इस रूम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ही रूम को देखते देखते मतलब एक ही तरह के रूम को देखते देखते ना बोर से हो जाती हूँ फ्रेंड मैं, तो मैं अब मेरे की अकेले तो होगा नहीं क्योंकि ये पलंग है जो भारी है फ्रेंड, और है तो खाली, ज़्यादा सामान नहीं है इसके अंदर पर है तो भारी ना, अकेले तो मुझसे खिसकेगा नहीं, ये फ्रिज था, फ्रिज को तो मेरा इधर मुँह था तो मैंने इसको इधर कर दिया, मैं चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं काफ़ी दिन हो गए, तो ये पलंग जो सरियाना है ना पलंग का, इसको मैं घुमा के इधर करना चाह रही हूँ, इसकी वजह क्या है ना फ्रेंड इधर सामने खिड़कियाँ हैं, ये खिड़की ऐसे हवा बहुत अच्छी आती है फ्रेंड, अभी तो मैंने बंद कर रखी है सर्दी की वजह से, इसको खोल दूंगी ना तो ये हवा भी आती है, इधर रोशनी भी अच्छी आती है, इधर क्या थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने अम्मी को फ़ोन लगाया, मेरी अम्मी ऐसे कोई दो लड़के हों आस पास बस्ती में, तो मैं कि उनको लिया, मैं कि ये खिसकवाना है मुझे सरकवाना है, तो अम्मी कह लगी लड़के तो अभी कोई है नहीं, चल मैं आ रही हूँ, मैं करवाती हूँ, अब अम्मी आ रही है, अब अम्मी और मैं मिलकर दोनों इसको पलंग को सरकवा देंगे फ्रेंड, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो
अच्छा लगता है ना थोड़ा सा चेंज वेंज करते रहो फ्रेंड, एक जैसी चीज होती है ना मैं तो बोर हो जाती हूँ। बंदूक का कुछ काम नहीं है, साथ खेलता है इसलिए अंदर दे दी। चलो अम्मी का वेट करती हूँ घर पे। अम्मी तो आ गई मजदूर बन के। नहीं नहीं इधर डर नहीं, अम्मी गुस्से कहती है मैं पूरा कमरा गिर जाता, मैं नमाज पढ़ती हूँ खाना भी खाती हूँ। है बेड पे नमाज नहीं हो पाती है, नहीं होती अम्मी कंफर्टेबल तो खड़े होकर नमाज होती है, नमाज दोनों बैठ के होती है, पलंग पे खड़ी होंगी तो कितने ऊपर खड़ी रहूंगी। नहीं हम लोग गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है ना पूरा पोछा लगा लो, जमीन भी लेटे आते हैं बैठ जाते हैं, साथ अपना पर्दा लिखता रहता है फिर। हाँ अरे कमरा तो वैसे भी अम्मी गर्म ही रहता है, कितना भी तुम कुछ कर लो अंदर का सरकवा दूंगी, अंदर का रूम तो ठंडा रहता है। चलो हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं फ्रेंड, अम्मी आई है तो इधर सराहना लूंगी, इधर सराहना, इधर क्या जंगला है खिड़की है इधर, तो इधर हवा भी आती है रोशनी भी आती है, फ्रिज ऐसे तो यहाँ से रास्ता हो जाएगा खाने को। अब रहेगी कौन, मैं साथ साथ क्या बैठ के पढ़ता रहेगा, ये चक्कर है। हाँ मैं सुबह सरकवा दूंगी फिर मैं। चलो फ्रेंड काम करते हैं। देखो अम्मी ने और मैंने मिलके कर लिया और मुझसे अकेले होता भी नहीं, ये अम्मी ने पूरी जान लगाई है तो पलंग इधर मेरा हो गया, इधर सही लग रहा है, रोशनी की वजह से कराया था जंगले में से रोशनी अच्छी आएगी। है चप्पल कह लूँ अरे बहुत सामान आता है मुझसे, ये नीचे वाली भाभी भी कह रही थी पूछ रही थी, मैं नहीं मंगाऊंगी। तो मैं मम्मी को जो बर्तन लेके आई थी ना वो बर्तन दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं तो उनके घर पे लेके नहीं गई, अब मैं मम्मी को दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। मैं धूप में बैठी हूँ, मैं धूप में बैठना मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। मम्मी हाँ तुम्हारी चीज़ मैं अब निकालती हूँ मेरी, जी ज़्यादा नहीं ली है छोटी, इसलिए चटनी वटनी के लिए परेशानी होती है। हाँ मैं ले ली और जी छोटी इसलिए डाई ढक के लिए, ऐसा ना ढकने की डोलो तो मैंने जी ले ली इस 15 हाँ 12-13 रुपये की है, 15 रुपये की एक जे लिए चार जी अंडे। हाँ हाँ इसी के लिए और ये दो कटोरे लिए ताकि ऐसा बेसन वेसन घोलो भजिए के लिए, तो ये दो ले लिए। हाँ बहुत ही सही है जी, नहीं तो छोटे छोटे बाकी तो हैं। फ्रेंड मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ घर की साफ सफाई करने के बाद, मेरी नमाज होने के बाद। अब मैं खाना खाने जा रही थी, मैं ये चलो खाना खाने से पहले जो आज मेहनत करी है इतनी वो आपको दिखा देती हूँ, और अम्मी की वजह से हो गया सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, वरना इतना भारी पलंग है ना, ये दिखता छोटा है लेकिन ये भारी बहुत है, क्योंकि इसको मैंने खुद बनवाया है, मतलब रेंट ऐसे रेडीमेड नहीं लिया है, तो उसकी वजन बहुत है इसके अंदर। अम्मी ने मेरी हालत ख़राब हो गई इसको करने में, खैर हो गया ये इस तरह से कुछ रूम का वो हो गया, थोड़ी सी अगर थोड़ी सी भी ऐसे चेंजिंग कर दो ना तो अच्छा लगता है, ऐसे एक महीने एक साल बाद दो साल बाद थोड़ा सा लुक कर चेंज कर देना चाहिए, तो उससे क्या होता है ना थोड़ा सा फ्रेश लगता है, चलो कुछ नया लग रहा है अलग लग रहा है। तो बस सोफ़ा इधर कर दिया मैंने और ये पलंग इधर आ गया, और ये फ्रिज मजबूरी में मैंने इधर रखा है मैंने मजबूरी में फ्रिज को मैंने इधर रखा है, जबकि किचन दूर है, लेकिन किचन ना छोटी है लंबी है पतली है, तो वहाँ पे ही फ्रिज रख नहीं सकते, वरना मैं मेरे को है ना बेडरूम में हॉल में फ्रिज रखना पसंद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना मजबूरी है किचन में जगह नहीं है इसलिए इसको मैंने यहाँ रख रखा है। खैर कोई नहीं, चलो फ्रिज का भी मुँह इधर कर दिया दरवाजे के सामने,
तो मुझे अच्छा लग रहा है मेरा रूम। बाकी आप बताना फ्रेंड आपको कैसा लग रहा है। और बस ये तो, और ज़्यादातर तो मैं यहीं रहती हूँ, ज़्यादातर आपने भी देखा होगा मैं इसी रूम में रहती हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ। ये चरपाई, मुझे चरपाई पर बैठना बहुत पसंद है, मुझे चरपाई पे ही ज़्यादातर मैं खाना भी यहीं खाती हूँ, यहीं बैठती हूँ। तो बस ये मेरा थोड़ा सा चेंज था, करा था, साफ़ सफाई करी थी मैंने, चलो आपके साथ शेयर करते हैं। अब मुझे लग रही है भूख होगी, नमाज के बाद जो भूख लगती है ना फ्रेंड बहुत तेज़ वाली लगती है। मैंने बनाई थी मसाला खिचड़ी, मैंने अम्मी को भी टेस्ट कराई तो अम्मी बोली बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा अम्मी तुम सादा बनाती हो, मेरी मसाले वाली खिचड़ी का टेस्ट अच्छा आता है अचार के साथ में। चलो खाना खा लो, गर्म कर लेती हूँ खिचड़ी को। फ्रेंड खिड़की में घुसने की कोशिश कर रहा है ये बटुआ, देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, मान जा डरा साथ ये ना अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था फ्रेंड जंगले में से। देखो ये बंदर ही आए, ये भागती है हमेशा, देख भागी भागी, इसको पुलिस में दे दे। अंदर अच्छू को साथ में देख लिया फ्रेंड, आवाज आई ना तो ये ना छोटे से जंगले में से भी घुसने की कोशिश कर रही थी बंदर ही आती। ये आलू रखे हुए थे असल में पास में, तो सोच रही हूँ हाथ डाल के खींच लूं, इतना सता रही है बंदर, और साथ बंदर दिखा रहा था, साथ को खौ खौ कर रही थी। एक मार दिया मुंह पे, अभी तो अंदर था मार तो दादागिरी दिखा रहा था, बाहर होता तो भक्ता डर के मारे। अरे प्याज भी ले गए थे, ये बहुत सताते यार बंदर, बहुत परेशान कर रहा था। हाँ देख देख घूम रहा है, घूम रही है, घूम रही है। अब शाम का टाइम होगा, शाम में ये लोग छत पे छा जाएंगे। अगर ये खिड़की में पता है पतली और हो जाती है ना, अंदर घुस जाती है। बच्चा तो अंदर आया था, बच्चा को भेज दीजिए अंदर, मैं मारता था। चल आ जा, देख लिया, थैंक यू सर, वेलकम, आ जा। कहाँ गई? बालकनी में बैठ गई, साथ कह रहा है, चला जा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हैप्पी संडे। हैप्पी संडे जा रहा है आपका? मेरा तो जा रहा है, ठीक ठाक जा रहा है। काम करते करते 3 बज गए फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे टेलर की दुकान पर जाना है, क्योंकि मैंने ना ये कपड़े सिलवाए थे तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो वो मैं जाके बताती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है चलो चलते हैं। चप्पल कहाँ है मेरी? चलो मुझे फल वाले भैया दिख गए, साथ ना कितने दिन से संतरे मांग रहा था, अब संतरे तो खट्टे हैं तो कीनू ले लेती हूँ। खट्टे आ रहा है ना, वो लड़का मेरा खट्टे खाता नहीं है जी। कैसे दिए? चलो मैं पहले फ्रूट ले लेती हूँ, वरना ही पैसे ज़्यादा लगा देंगे। वाले ने खुले पैसे नहीं दिए, इसलिए दुकान में से ना 500 के छुट्टा पैसा लिया मैंने, उसके पास खुले पैसे ही नहीं थे। फिर मैं फ्रेंड आ गई इनकी दुकान पर, बस्ती में ये मेरे कपड़े, ज़्यादातर मेरे जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड यही सीते हैं, तो ये मुझे बता रहे थे कि कोई कपड़ा कम पड़ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं इनसे पूछ रही थी, तो ये मेरे कपड़ों के बारे में बता रहे थे। मैं आई थी फ्रेंड अपने घर का सामान लेने के लिए, पर अम्मी गई है पापा को खाना देने के लिए, इसलिए मैं बैठ गई, ग्राहक भी खड़े हुए पर मुझे देना आता नहीं है, इसलिए अम्मी अभी आ रही है। साहिबा तू दे रही? साहिबा भी नहीं आता था। अम्मी मैं आपने दोनों को तो तू भाभी के संग क्यों नहीं आई? ऐसे क्यों लड़ाई हुई है? क्यों लड़ाई हुई तेरी भाभी से? दोनों मोटी दोनों चट्टू चट्टू। नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, गंदी बात होती है, ऐसे लड़ते नहीं है किसी से भी। आप लिया दोनों हम भी छट्टो तो मैं बांध दोनों तदू मम्मा आज मम्मा। अच्छा भाभी ना अपनी दोनों भाभियों से लड़ाई हो गई है, तो वो मुझे बता रही है कि अपी तुम दोनों भाभियों से बात नहीं करना, मेरी लड़ाई हो गई है तो तुम्हारी तुम भी बात नहीं करना। तो मैं उसकी बात सुन रही हूँ, उसकी लड़ाई ना उसकी भाभियों से होती रहती है दोनों। यहाँ पर देखो पापा कैसे खड़े होके खाना खा रहे हैं, ये खा रहे खिचड़ी और अचार। अम्मी की बना लूँ ब्लॉग? अम्मी बहुत दिन से ब्लॉग में मेरे आई नहीं रही है ढंग से। अम्मी की बन रही है सब्जी मिक्स भाजी, अम्मी से बहुत पसंद है। साहबा नहीं पसंद? साहब पसंद है? गोश्त बंद है। गोश्त खाए पाए तो खाए, अगर पाए तो अच्छी लगते हैं बेटा, और नहीं तो क्या, पाए खाया कर बेटा, शुरू आ लेगा, शुरू अभी अच्छा लगता है। चलो अम्मी की बन रही है मिक्स भाजी, गोभी मटर आलू बैगन, बैगन नहीं गाजर मटर मेथी आलू की सब्जी। चलो मैं भी बहुत दिन के बाद आई हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ अम्मी के पास, क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा फ्रेंड मेरे घर में, इतना काम पता ही कहाँ से निकल आया अम्मी। मैं कह रही अल्लाह, मैं सोल से भी कहती हूँ, मैं सोल एक बच्चा मेरा, अभी पता नहीं क्यों पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ मैं, या तो खाना बनाती रहूंगी, कभी कुछ बना रही हूँ कभी कुछ बना रही हूँ, या घर का काम मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो चलो मैं आज मैं अम्मी के पास आकर थोड़ी देर बैठी, अम्मी की बन रही है सब्जी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर का काम करने, क्योंकि असर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ के चाय वाय बना के फिर काम में लग जाऊंगी, फिर दोबारा से काम में लग जाऊंगी। आ गई फ्रेंड मैं अपने घर पर, अम्मी के घर पर थोड़ी देर बैठती हूँ, अम्मी से थोड़ी देर बात करती हूँ, पहले जितना टाइम नहीं मिलता है मुझे,
बस घर में थोड़ा सा काम ज़्यादा है, पता नहीं ज़्यादा काम क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, लेकिन फ्रेंड मैं कितनी भी देर अम्मी के घर पर रह लूँ, आप मतलब कोई भी शादी के बाद जब लड़की की शादी हो जाती है ना फ्रेंड, तो ऐसा लगता है उस अपने घर अपने शौहर के घर पर ही अब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, मुझे ना अम्मी के घर पर घर से ज़्यादा मुझे अपने घर पर अच्छा लगता है, या बैठना खाना खाना या नमाज़ पढ़ना, मुझे अपने घर पे ही सुकून ज़्यादा मिलता है। बस अपने माँ बाप को मैं देखने चली आती हूँ, उनसे थोड़ा सा मिलने चली आती हूँ, अम्मी अपने दिल का हाल चाल बता देती हैं, वो सुन के आ जाती हूँ, बस बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, बस मैं भली मेरा घर वाला। और दूसरी बात फ्रेंड आपके संग बात शेयर करना चाह रही हूँ मैं, कि मैं यहाँ रेंट के घर में रहती हूँ, ये चीज़ तो ये तो आप बात आपको पता ही है, ये मेरा खुद का घर नहीं है, मेरा रेंट का घर है, लेकिन मैं सिर्फ रेंट के घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने लिए भी घर ढूंढ रही हूँ। इंशाल्लाह जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना फ्रेंड, तब वो कहते हैं ना हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही होती है फ्रेंड, मेरा यहाँ आना वो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, मेरा इस घर में रेंट पर रहना ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब मैं लेकिन फिर भी अपने हाथ पैर मार रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं पे भी, देखो फ्रेंड घर घर है, कोई ऐसा तो है नहीं चलो कपड़े अच्छे नहीं आए तो दूसरे बदल लिए, दूसरे नहीं तो तीसरे बदल दिए, घर है तो इंसान सोच समझ के ही लेता है, तो वहाँ का आसपास का माहौल भी देखता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड, मैं जगह जगह बात कर रही हूँ, बस जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना फ्रेंड उस दिन मुझे मेरा घर भी हो जाएगा। मैं ये नहीं सोच के बैठी हूँ कि मुझे यहाँ रहना है, ये रेंट का घर है तो मुझे हमेशा यहीं रहना है या 4-5 साल मुझे गुजारने, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ जब जिस दिन अल्लाह से मैं रोज़ नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ में यही दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह जल्द से जल्द तू मेरा खुद का घर करा दे, क्योंकि अपने घर की खुशी तो फ्रेंड अलग ही होती है, चाहे वो घर छोटा हो कच्चा हो पक्का हो कैसा भी हो, अपना घर अपना होता है। तो बस उस कोशिश में मैं लगी हूँ, और ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपसे आप भी दुआ कीजिए मेरे हक में कि मेरा खुद का घर हो जाए, और जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए फ्रेंड। बस ये बात आपसे शेयर करनी थी कि मैं ये सोच के नहीं बैठी हूँ कि बस मुझे यहीं आ गई, मैं आगरे में तो मैं बस किराए के घर में रहती रहूँगी, चल रहा है 4-5 साल 6 साल चल रहा है, मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड जल्द से जल्द मैं अपनी खुद की छत के नीचे आकर रहूँ, खुद की घर के छत के नीचे नमाज़ पढ़ूँ। तो ये मैं सोच रही हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बस ये फ्रेंड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ने बैठूँगी, असर की अजान हो गई है, थोड़ी देर में फिर मगरिब हो जाती है 6:15 बजे के आसपास। तो बस फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में। 3 दिन का ब्लॉग था, ज़्यादा ऐसा कुछ चल नहीं रहा था लाइफ में, बहुत अपने घर के काम में थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हो गई थी, 1-2 दिन साफ सफाई करी थी, क्योंकि शब रात का महीना है, शब रात भी आने वाली है, 25 तारीख की है, 25 फरवरी की है, तो उसके लिए फिर मैंने घर की साफ़ सफाई भी करी थी। तो बस थोड़ा सा इसमें बिज़ी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और चलो अब इंशाल्लाह जल्दी ब्लॉग बनाऊंगी, नए ब्लॉग। आपसे दुआ की गुजारिश है, दुआ करना मेरा खुद का घर हो जाए फ्रेंड, और इंशाल्लाह आपकी जो भी तकलीफ हो अल्लाह वो दूर करे, और जिनके घर नहीं है उनके भी घर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। इतनी सारी बात तो मैंने कम से कम यहाँ खड़े होकर कर ली, और इस बीच बंदर नहीं आया।